Yes, sir. Mahol, chapter number 27, Customs Act 1962. Dil tham ke sunega, importation or exportation ka processor. Import ka processor kya hota hai? Bacho, koi bhi goods agar out of India sab import karenge, to sir, jaan dena, kis tarah se goods India mein aata hai, wo pura system aapko samajh aayega. Dil tham ke baithega, bahut fast. Okay, sarkar. सबसे पहली बात सर, CBIC विल अपॉइंट द पोर्ट एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन जहां पे गुड्स इंपोर्ट होने के बाद आएगा, जहां पे पर्सन इंचार्ज ऑफ द वेसल आएगा. और सर सेक्शन 29 बोलता है क्या कि जो पोर्ट एयरपोर्ट या कस्टम स्टेशन अपॉइंट किए सीबीआईसी ने अंडर सेक्शन नंबर 7 या एनी द प्लेस विच में भी नोटिफाइड बाई दी विच में भी स्पेसिफाइड बाई दी सीबीआईसी, केवल वहीं पे पर्सन इंचार्ज अपने वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल का लैंडिंग करेगा, कहीं और लैंडिंग नहीं करेगा. दे विल अराइव ओनली एट द फिक्स्ड प्लेसेस, नॉट एनी अदर प्लेस. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इमरजेंसी लैंडिंग कैन बी डन एनीवेयर इन इंडिया, बट इमीजिएटली इंटीमेशन विल बी गिवन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या कस्टम ऑफिसर, और दे विल नॉट अलाउ अनलोडिंग ऑफ एनी ऑफ द गुड्स और डिसएम्बार्केशन ऑफ एनी ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द वेसल अनलेस इट इज नेसेसरी टू सेफगार्ड देयर लाइफ. ओके सर, ये था सेक्शन नंबर 29. फिर है सेक्शन नंबर 30. सुनो बच्चों ध्यान से, अब सर कन्वेंस आ गया, अब क्या होगा सर, आईजीएम फाइल करेगा. क्या फाइल करेगा बेटा? आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट व्हीकल केस, इसको बोलते हैं इंपोर्ट रिपोर्ट. ओके सर, पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस विल फाइल आईजीएम और आईआर सर, प्लस देन पैसेंजर और क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, और सर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी फाइल करना पड़ेगा इस पर सेक्शन में 30A. ओके बच्चों ध्यान देना बेटा, इन केस जब भी वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल आता है वो आईजीएम या आईआर फाइल करेगा. आईजीएम और आईआर में क्या लिखा होगा? कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल. ओके सर ध्यान देना बेटा, इसमें वो डिक्लेरेशन देखा कि जो भी लिखा है सही लिखा है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ. क्लियर, कस्टम ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा. बच्चों ध्यान देना, इसमें सारी गुड्स का इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, भले वो इंपोर्टेड गुड्स हो या भले वो एक्सपोर्ट गुड्स हो सकता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जा रही हो गुड्स, और उसके बाद इंडिया के जैसे मान लो सिंगापुर से वैसा आया मुंबई में, मुंबई से जा रहा है गोवा, तो सर गोवा के लिए भी तो कुछ गुड्स हो सकती है जो सिंगापुर से आई होगी. तो गोवा पोर्ट पर जब आईजीएम फाइल करेगा तब उसमें इंपोर्टेड गुड्स भी होगी, और हो सकता है कुछ गुड्स बॉम्बे से अपलोड करी हो दुबई भेजने के लिए, जो वैसल पहले गोवा में आ रहा था वहां पे गोवा के लिए वो गुड्स एक्सपोर्टेड गुड्स होगी बेटा, तो वो भी उसमें मेंशन करेगा आईजीएम के अंदर बेटा. ओके सर, और अगर ध्यान देना बेटा वेसल और एयरक्राफ्ट की बात है तो आईजीएम फाइल होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो भी बिफोर अराइवल ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट, और इन केस ऑफ व्हीकल विद इन 12 आवर्स ऑफ द अराइवल ऑफ द व्हीकल इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है. एंड हाँ ध्यान देना बेटा, अगर इससे टाइमली फाइल नहीं किया है कोई वायलेशन किया तो 50,000 का फाइन पेनल्टी लगेगा, किस पर? पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस पे. ओके अब सर सेक्शन 30A जो नया ऐड हुआ था उसमें बोला था पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन एंड फाइलिंग ऑफ पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट, ये फाइल करना पड़ेगा अलोंग विद आईजीएम और आईआर. ओके बच्चों सर, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी? कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग ऑल द पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स, प्लस अगर सेम वे व्हीकल के केस में विद इन 12 आवर्स इसको फाइल करना पड़ता है, एंड वेसल एयरक्राफ्ट के केस में बिफोर अराइवल ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट इनको फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो टाइमली अगर इन्होंने फाइल नहीं किया तो 50,000 का तक का फाइन है बेटा. और पूरे एक्ट में जहाँ जहाँ आईजीएम लिखा हुआ है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट लिखा हुआ हुआ सर, अराइवल मैनिफेस्ट भी रेफर किया जाएगा. और इनके सब एक्सपोर्ट ईजीएम होता है बेटा, और ईजीएम जैसे होता है वैसे ही सर डिपार्चर मैनिफेस्ट होता है बेटा. तो जहाँ जहाँ पे भी ईजीएम लिखा है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, वहाँ पर भी डिपार्चर मैनिफेस्ट रेफर किया जाएगा. ओके सर सुनो बच्चों ध्यान से, अभी वेसल आ गया, उसने आईजीएम फाइल कर दिया, अब क्या होगा बेटा? कस्टम ऑफिसर के पास पावर है कि ही इज द पावर टू बोर्ड द कन्वेंस, एंड सर बोर्डिंग करने के बाद क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, चेकिंग करेगा. ही इज द पावर टू आस्क द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी सबमिटेड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, और सारे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन देगा प्रॉपर ऑफिसर को. कौन? पर्सन इन चार्ज. अब सर उसने वेरीफिकेशन कर लिया, चेकिंग कर लिया, एवरीथिंग फाउंड ओके, तो सर जो भी गुड्स उस पोर्ट के लिए आई होगी, उस पोर्ट पर जो भी गुड्स को अनलोड करना है, इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके, तो इन केस ऑफ वेसल एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर पास करेगा प्रॉपर ऑफिसर. एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर पास होने के बाद ये गुड्स अनलोड हो पाएगी जो भी उस पोर्ट के लिए बनी हुई है. अच्छा, जो गुड्स आईजीएम मेंशन नहीं, वो कभी भी अनलोड नहीं हो पाएगी. और हाँ, बैगेज, एनिमल्स, पेरिशेबल आइटम्स, हैजार्डस गुड्स और मेल बैग्स के रेस्पेक्ट में एंट्री इनवर्ड की जरूरत नहीं होती है. ओके सर, अनलोडिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे? कस्टम पोर्ट पे करेंगे, विद इन कस्टम एरिया होगी, अंडर सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर होगी, ड्यूरिंग ऑन अ वर्किंग डे होगी, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होगी. क्लियर, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ ओवरटाइम फीस, मर्चेंट ओवरटाइम चार्ज बोलेंगे, जिस पे जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, याद है बेटा, मेगा एग्जम्प्शन लिस्ट. ओके सर, एंड ध्यान देना बेटा, बोट नोट, कई बार क्या होता है बेटा कि वेसल आ गया बट यहाँ पे पार्किंग प्लेस नहीं मिल रहा है. सर वेसल इज नॉट गेटिंग बर्थ एट दी पोर्ट, तो ऐसे केस में छोटी बोट भेज के गुड्स को उसके थ्रू मंगाया जाता है, और छोटी बोट में गुड्स को रख के वहाँ भेजा भी जाता है बेटा. तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं बोट नोट. सर क्या होगा? वेसल गुड्स उस बोट में रख देगी और वेसल फ्री हो जाएगा, वेसल चला जाएगा, बोट के थ्रू गुड्स आ जाएगी. उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है उसको बोलते हैं बोट नोट. और हाँ,
सीबीएसई चाहे तो कुछ जनरल केसेस में या स्पेशल केस में बोट नोट की रिक्वायरमेंट को एग्जम भी कर सकती है। ओके, अब साहब गुड्स आ गया, अनलोडिंग का ऑर्डर मिल गया, गुड्स अनलोड हो गया, अनलोडिंग के बाद इट विल बी हैंडेड ओवर टू दी कस्टोडियंस। और ध्यान रखना पर कस्टोडियन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते दो केस में, एक बैगेज केस में और एक मेल बैग्स जो पाइप पोस्ट होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट केस में, कस्टोडियन के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, बाकी हर केस में कस्टोडियन के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अनलोडिंग के बाद गुड्स विल बी हैंडेड ओवर टू दी कस्टोडियन एस पर सेक्शन 45 और कस्टोडियन विल मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग ऑल द गुड्स विच आर इन देयर पोजिशन एंड दे विल नॉट अलाउ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम देयर पोजिशन अनलेस अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन प्रिस्क्राइब मैनर। क्लियर? एंड सर ध्यान देना, अगर कोई गुड्स उनकी पोजीशन में और लॉस हो गया तो ऐसे केस में कस्टोडियन शेल बी लायबल टू पे ड्यूटी ऑन सच गुड्स। प्लस एक और सेक्शन है सेक्शन 13, पिल्फर्ड गुड्स। पिल्फरेज क्या होता है? चिंदी चोरी। सर थेफ्ट इन स्मॉल क्वांटिटी। अब ऐसे केस में अगर गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ कस्टोडियन और उस टाइम पिल्फर हो गया कोई गुड्स, पर ध्यान देना पिल्फरेज प्रूव करने के लिए टू एस्टेब्लिश पिल्फरेज देर मस्ट बी सम टेम्परिंग विद द पैकेज। क्लियर? पैकेज फटा हुआ होना चाहिए या सही सर कैसे उसमें छेद है, तो देर शुड बी सम टेम्परिंग विद द पैकेज, तो ही प्रूव हो पाएगा क्या पिल्फरेज। और अगर पिल्फरेज प्रूव हो गया तो ऐसे केस में कस्टोडियन शिल बी लाइबल टू पे ड्यूटी ऑन सच गुड्स। और ऐसे केस में रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी होगा क्या? जिस दिन आईजीएम फाइल हुआ। क्या फाइल हुआ बेटा? जिस दिन आईजीएम या आईआर फाइल हुआ तो उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम पे करना पड़ेगा कस्टोडियन को, अगर पिल्फर्ड गुड्स पे कस्टम पे करना पड़ रहा तो। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 46। अब सर गुड्स का है कस्टोडियन के पास, अब इंपोर्टर या उसका एजेंट आएगा, क्या करेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट फॉर क्लियरिंग द गुड्स। अब बिल ऑफ एंट्री में बी फॉर होम कंजम्पशन, में बी फॉर वेयर हाउसिंग। अच्छा ध्यान रखना, बिल ऑफ एंट्री इज अ सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट, उसमें वो सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा, कंप्लीट डिक्लेरेशन लेके आएगा गुड्स की, गुड्स की वैल्यू क्या है, गुड्स की आइडेंटिटी क्या है, गुड्स का एचएसएन कोड क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, सब कुछ लिखेगा। गुड्स एग्जम्प्ट है फिर भी उसमें लिखना पड़ेगा सर उसको बिल ऑफ एंट्री के अंदर, तभी तो सर वो क्लियरिंग होगा। एग्जम्प्ट है या जो भी है उसको बिल ऑफ एंट्री तो फाइल करना ही पड़ेगा। सर ध्यान रखना बिल ऑफ एंट्री कितने टाइम में फाइल करना होता है? बिल ऑफ एंट्री जिस दिन वेसल या एयरक्राफ्ट व्हीकल आया है उसका नेक्स्ट वर्किंग डे खत्म होने से पहले पहले, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे, सर उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद फाइल किया तो उसको फाइन लगेगा इस पर रूल्स। ओके, किस पर? इंपोर्टर पे बेटा। ओके सर एक और बात, सर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, पर अगर आपको लगता है नहीं 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 मेरे को तो वेयर हाउसिंग कराना है, तो बिल ऑफ एंट्री कैन बी एक्सचेंज और प्रॉपर ऑफिसर एक्सचेंज अलाउ कर देगा एंड वाइस वर्सा भी अलाउ कर सकता है इफ देर इज नो लॉस टू द रेवेन्यू टू द डिपार्टमेंट बेटा। क्लियर? ओके, ध्यान देना बेटा इलेक्ट्रॉनिकली बिल ऑफ एंट्री फाइल करना कंपलसरी है थ्रू कस्टम्स और रेवेन्यू सिस्टम, और हाँ कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी और मोड से अलाउ कर सकता है अगर प्रैक्टिकली ई फाइलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री जब इंपोर्टर फाइल करेगा उसमें कंप्लीट डिक्लेरेशन देगा कि ये जो भी मैंने लिखा है वो सही लिखा है, इट शुड बी वो डिक्लेरेशन देगा कि इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ये ऑथेंटिक है, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने लगाया वो ऑथेंटिक है, वैलिड है और जो भी लॉ के कंप्लायंस है वो मैंने पूरे किए बेटा, ये सब डिक्लेरेशन वो देगा। प्लस ध्यान देना बेटा जब भी वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा प्लस कंप्लीट डॉक्यूमेंट अटैच करेगा सो दैट कस्टम ऑफिसर कैन वेरीफाई द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, जैसे कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉपी लगाएगा। सर सुनना, अगर एजेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एजेंट का नोट है वो लगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लगाएगा, ब्रोशर की कॉपी लगाएगा, कैटलॉग की कॉपी लगाएगा, अगर इंडिया में कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग हुआ टेस्टिंग की रिपोर्ट का कॉपी लगाएगा सो दैट एचएसएन कोड निकल पाए उसका। सर देना ये सब वो फाइल करेगा सर सेल्फ असेस करके। अब सर बिल ऑफ एंट्री तीन तरह की होती है, बिल ऑफ एंट्री मे बी फॉर होम कंजम्पशन, इनटू बोन बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड एक्स बोन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री में अगर कोई गलती हो गई तो क्या उसमें अमेंडमेंट अलाउ होगी क्या बेटा? अमेंडमेंट अलाउ नहीं है, बिल ऑफ एंट्री में कोई गलती होगी तो अमेंडमेंट अलाउ नहीं होगा। पर हाँ, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपने साथ में अटैच किए थे उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्लियर लिखा होता कि वैल्यू ये होना चाहिए, या जो भी आपसे गलती हुई उसमें साफ दिख रही थी केवल लिखने में मिस्टेक हुई, तो ऐसे केस में बाद में बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज कभी भी बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट अलाउ नहीं होता है। और हाँ, अगर अमेंडमेंट अलाउ हो गया तो अमेंडेड बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी, पर रेट ऑफ ड्यूटी के लिए ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री जो आपने फाइल करी वही रिलेवेंट होती है, अमेंडेड बिल ऑफ एंट्री रिलेवेंट नहीं होती है। ऐसा एसोसिएटेड फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बेटा। ओके, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, अब सर सेल्फ असेस किया, डिपार्टमेंट असेसमेंट को वेरीफाई करेगा, हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 17-18 असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट, ड्यूटी का अमाउंट निकल जाएगा, फिर आप ड्यूटी पे करेंगे एंड गुड्स विल बी अलाउड फॉर रिमूवल। सेक्शन नंबर 47 बोलता है रिमूवल ऑफ द गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ध्यान देना बेटा, आपने सेल्फ असेस किया, डिपार्टमेंट वेरीफाई किया, असेसमेंट फाइनल हुआ, ड्यूटी का अमाउंट आप पे करेंगे, ड्यूटी का अमाउंट आप पे करेंगे उसके बाद गुड्स के लिए रिमूवल का ऑर्डर पास होगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन प्रिस्क्राइब मैनर। क्लियर? और सर वो ऑर्डर के थ्रू आपका गुड्स का क्लियरेंस होगा एंड ये ऑर्डर लेके जाएंगे आपका कस्टोडियन के पास, दे विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। पर हाँ, आपको कस्टोडी कितना टाइम में पे करना है? देन देना अगर आपने सेल्फ असेसमेंट किया था तो सेम डे
जिस दिन आपने सेल्फ असेस किया बिल ऑफ एंट्री फाइल की, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी उसी दिन आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया था या डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया आपकी बिल ऑफ एंट्री का या उन्होंने रीअसेस किया, तो जब वो बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न करेंगे असेसमेंट करने के बाद, उसके बाद एक वर्किंग डे के अंदर आपको ड्यूटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे से क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। क्लियर? सॉरी, कस्टम चल रहा है, कस्टम के अंदर 8% इट इज 15% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखना बेटा, 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके बच्चों, जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था, लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा जनरल प्रोविजंस अंडर जीएसटी अंडर कस्टम्स, उसमें भी 15% है, ध्यान रखना, जीएसटी में 18% और 24% इंटरेस्ट की रेट, कस्टम में 15% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान रखना बच्चों। ओके, सो इन केस ऑफ कस्टम्स, इन केस ऑफ कस्टम पूरे कस्टम ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर असेस इज 15%, 15% बच्चों, 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इन केस ऑफ कस्टम्स, इन केस ऑफ कस्टम्स आपने कस्टम पे किया फिर अलाउ होगा गुड्स का रिमूवल, पर हाँ गवर्नमेंट को पावर दे रखा कि वो चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों को अलाउ कर सकता, नोटिफाई कर सकता कि इनको डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम अलाउड है, मतलब उन लोगों को, बड़े लोगों के बेटा ये सर कौन है ये सर, इंपोर्टर्स हु आर ऑथराइज्ड अंडर इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम एज एईओ टीयर 2 एंड एईओ टीयर 3, इसमें जो लोग नोटिफाइड है, जो लोग है रजिस्टर्ड, उन लोगों को डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी है, मतलब इनके लिए क्लियर फर्स्ट पे लेटर, बाकी सबके लिए क्या है, पे फर्स्ट क्लियर लेटर, इनके लिए क्या है, क्लियर फर्स्ट पे लेटर, और इनके लिए डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम दे रखा है, ये चाहे तो जो लोग एलिजिबल वो लोग चाहे तो इनके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी चाहिए, और डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी के लिए अगर इन्होंने अलाउ अप्लाई किया, कमिश्नर लगता है कि एलिजिबल है तो उसको अलाउ कर देगा। फैसिलिटी क्या है, जो भी कैलेंडर मंथ की फर्स्ट तारीख से लेकर 15 तक आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, जिसका बिल ऑफ एंट्री का देखो होता क्या, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, करते हो असेसमेंट करके, सेल्फ असेस करके, वो बिल ऑफ एंट्री रिटर्न करते आपको उनका असेसमेंट करके बेटा। क्लियर? तो एक तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जो भी बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है असेसमेंट होने के बाद, उनके लिए 16 तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 16 तारीख से लेकर लास्ट डे ऑफ द मंथ तक जितनी भी बिल ऑफ एंट्री रिटर्न हुई है असेसमेंट के बाद, उसका नेक्स्ट डे की एक तारीख को आपको पे करना पड़ेगा। पर मार्च मंथ में सेकंड हाफ जो है बेटा आपका 16 मार्च लेके 31 मार्च तक के लिए, 31 मार्च या उससे पहले पहले आपको पे करना पड़ेगा ड्यूटी का अमाउंट। और हाँ, इन सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली पे करना कंपलसरी है। सेकंड बात सर, अगर इनको जिनको डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम दिया है उन्होंने अगर डिफॉल्ट कर दिया कॉन्जिक्यूटिव 3 महीने के लिए, टाइमली पे नहीं किया कॉन्जिक्यूटिव 3 महीने के लिए, तो ऐसे केस में इनका डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी विड्रो हो जाएगा। और डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी अगर विड्रो हो गया तो सर इनको रेगुलरली जो पे फर्स्ट क्लियर लेटर जो होता है वो ही चलेगा इनके लिए। पर अगर इन्होंने जो भी डिफरेंस अमाउंट ऑफ जो भी इनका डिफॉल्ट था उसको रेक्टिफाई कर दिया, टैक्स पे कर दिया विद ड्यूटी, पे कर दिया विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी अगर है तो ऐसे केस में इनका डिफॉल्ट रेक्टिफाई हो गया तो इनका डेफर्ड पेमेंट का फैसिलिटी वापस रीस्टोर हो जाएगा बच्चों। क्लियर? डन। अच्छा सुनो बच्चों, अगर ये जो मैंने इनके लिए ड्यू डेट बताई है जो 16th ऑफ द नेक्स्ट मंथ थी, सॉरी सेम मंथ, एक तारीख से लेकर 15 तारीख का पेमेंट करना 16th को, 16th से लेकर लास्ट डे तक का नेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ की एक तारीख को बेटा, अगर इससे लेट हो गए तो अगेन क्या पे करेंगे ये लोग, इंटरेस्ट पे करेंगे 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। क्लियर? अच्छा देखना, क्या ई पेमेंट करना कंपलसरी सबके लिए? नहीं, या बोल दिया जो भी लोग ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है उनको ई पेमेंट करना कंपलसरी है। प्लस पर बिल ऑफ एंट्री जिनका भी पेमेंट ऑफ ड्यूटी 10,000 या मोर देन 10,000 होता है उनको भी ऑनलाइन पे करना कंपलसरी, बाकी सब चाहे तो एनी अदर मोड से पे कर सकते हैं। सारा टैक्स पे। अच्छा, डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे फॉर मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ कस्टम इज आइस गेट, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे। ओके सर, पेमेंट करने के बाद क्या होगा बेटा, आउट ऑफ कस्टम चार्ज ऑर्डर मिल जाएगा, ये ऑर्डर लेके जाएंगे कहाँ, कस्टडी के पास, देन दे विल अलाउ द रिमूवल ऑफ द गुड्स। और हाँ, अगर आपने टाइमली रिमूव नहीं किया विद इन 30 डेज तो ऐसे केस में हैवी डैमेज चार्जेस बिकम्स एप्लीकेबल और आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपने वेयरहाउसिंग बिल ऑफ एंट्री फाइल करी तो वेयरहाउसिंग प्रोसेसर एप्लीकेबल हो जाता है, और वेयरहाउसिंग चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आता, फिर भी जिन्होंने मेरे से सिलेबस पढ़ा हुआ है उनको मैंने वेयरहाउसिंग का सिस्टम थोड़ा बहुत समझाया हुआ है कि आखिरकार वेयरहाउस क्या होता है। ओके सर, आइए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सेक्शन 51A बोलता है पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। बेटा जैसे जीएसटी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वैसे ही इसमें भी आने वाला है, पर अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ इसलिए सेक्शन अभी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 48 डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, ध्यान देना बेटा, अगर गुड्स लेने के लिए आए ही नहीं, 30 डेज हो गए सिंस अनलोडिंग, कोई गुड्स क्लेम करने आए ही नहीं, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो इन गुड्स को सर गुड्स को गवर्नमेंट की पोजीशन में आ जाएगी बेटा गुड्स, और कमिश्नर के डायरेक्शन के हिसाब से इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और अगर हैजार्डस गुड्स हुआ या पेरिसेबल नेचर के गुड्स हुआ या एनिमल्स वगैरह हुए, तो ऐसे केस में 30 दिन का इंतजार भी ये लोग नहीं करेंगे, और कमिश्नर की डायरेक्शन के हिसाब से इनको क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन हो गए, ये सब चीज़ें पहले ही सेल कर देंगे बड़ा लोग। देन लास्ट सेक्शन रिगार्डिंग इंपोर्टेशन वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया पर किसी वैलिड रीजन की वजह से आप गुड्स को क्लियर नहीं करवा पा रहे फ्रॉम कस्टम एरिया, तो ऐसे केस में डैमेज चार्जेस बिकम्स पेबल बेटा।
अब हैवी डैमेज चार्ज को अवॉइड करने के लिए यहाँ सेक्शन नंबर 49 दिया कि ऐसे केस में सच इंपोर्टर कैन अप्लाई टू हिज ज्यूरिसडिक्शनल, उस पोर्ट के ज्यूरिसडिक्शनल असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को अप्लाई कर सकता है और उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, प्लीज सर इन गुड्स को वेयरहाउस में अलाउ कर दो, प्लीज इन गुड्स को पब्लिक वेयरहाउस में अलाउ कर दो फॉर अ टेम्पररी पीरियड, क्लियर, विदाउट फॉलोइंग द वेयरहाउसिंग प्रोसीजर। और ऐसे केस में अगर एसीबीसी सेटिस्फाइड है कि हाँ उसके पास रीजनेबल रीजन है एसीसी के पास, तो ऐसे केस में ही में अलाउ द वेयरहाउसिंग ऑफ सच गुड्स इन अ पब्लिक वेयरहाउस बट नॉट मोर देन 30 डेज, 30 दिन के लिए वो वेयरहाउसिंग अलाउ कर सकता है। पर अगर मान लो किसी कारण से वो 30 दिन में गुड्स को रिमूव नहीं कर पाया एसीसी, तो ऐसे केस में कमिश्नर चाहे तो उसको फर्दर 30 दिन का टाइम और दे सकता है बट नॉट मोर देन दिस, बेटा क्लियर। अच्छा ऐसा लोग क्यों करते हैं बेटा, टू ओवर द हैवी डैमेज चार्जेस, बच्चों क्लियर डन, ये इंपोर्ट का पूरा सिस्टम खत्म होता है। अब डन सर आ रहा है एक्सपोर्ट प्रोसीजर, दिल थाम के सुनेगा सर एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, मान लो आप एक्सपोर्टर हो, एक प्रॉपर ऑफिसर है और एक पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस है, बेटा सुनना बच्चों ध्यान से, दिमाग में इमेजिन करो अपने जो चार्ट बनाया था क्लास के अंदर, बेटा सुनना बेटा ध्यान से। सर सबसे पहली बात एक्सपोर्टर आएगा बेटा और डायरेक्ट वेसल में अपना गुड्स लोड करेगा और पर्सन इंचार्ज गुड्स लेके चला जाएगा, है ना बेटा, हो गया एक्सपोर्ट। सर पॉइंट मेरा आपसे ये, एक्सपोर्ट का सिस्टम क्या है, सबसे पहले एक्सपोर्टर आएगा, कस्टम पोर्ट पे आएगा, शिपिंग बिल फाइल करेगा, ऑनलाइन फाइल करना कंपलसरी है, क्लियर। और अगर व्हीकल से गुड्स भेज रहा है तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा। अच्छा अगेन शिपिंग बिल हो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो, सर सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा विद मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट, उसमें डिक्लेरेशन लिखेगा कि जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, कंप्लीट है, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किया वो वैलिड है, ऑथेंटिक है, एंड सारे लोग के मैंने कंप्लायंस पूरे किए हैं। सर ध्यान देना, अगर कस्टम बनता है तो कस्टम पे करेगा, एंड सर सेक्शन 51 बोलता है क्या, अगर कस्टम बनता है तो वो कस्टम पे करेगा, और पे अगर कर दिया उसने तो ऐसे कि इसमें हम कस्टम्स क्लियरेंस का ऑर्डर देंगे। सर ध्यान देना, क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर है बेटा, ये वो डेट है, ये वो ऑर्डर है, जिस दिन ये ऑर्डर पास होता है उस दिन की रेट रिलेवेंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, याद है बेटा सेक्शन 16। ओके सर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर सेक्शन 51 ये बोलता है, अगर कस्टम पे करना है तो कस्टम पे कर दिया सर, और अगर कस्टम पे नहीं करना हमने वेरीफाई कर लिया एवरीथिंग इज ओके, तो ऐसे केस में हम उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर देंगे इफ एवरीथिंग इज ओके। अच्छा ध्यान देना बेटा, जिन लोगों को डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम अलाउड है उनके लिए डेफर्ड पेमेंट सिस्टम चलेगा, जिनके लिए अलाउड नहीं वो पहले पे करेंगे फिर उनका एक्सपोर्ट अलाउ होगा बेटा। ओके और अगर कोई पर्सन पे करने में लेट हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, 15% पर एनम बचो, क्लियर पक्का माहौल। सर सुनना बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट सेक्शन में 39 बोलता है क्या, एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड ऑन द वेसल अनलेस एंट्री आउटपुट इज ग्रांटेड। सबसे पहली बात वो आया सर, एक्सपोर्टर आया उसने शिपिंग बिल फाइल किया, फिर अब सर प्रॉपर ऑफिसर ने उसका शिपिंग बिल एनालाइज किया, असेस किया, टैक्स बनता तो टैक्स लिया, उसको परमिशन दे दी कि ठीक है साहब एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का ऑर्डर दे दिया उसको, पर पर्सन इंचार्ज की कन्वेंस में गुड्स लोड होने से पहले उसके वेसल को एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर होना कंपलसरी, जब तक उसको एंट्री आउटवर्ड नहीं मिला तब तक उसके वेसल पे कोई भी गुड्स लोड नहीं हो पाएगा। हाँ बैगेज और मेल बैग्स के केस में आप एंट्री आउटवर्ड नहीं होगा तो भी लोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मान लो एंट्री आउटवर्ड ऑर्डर मिल गया किसको, पर्सन इंचार्ज को, अब उसका वेसल एलिजिबल हो गया गुड्स को लोड करने के लिए, अब एक्सपोर्टर आएगा गुड्स लोड करवाएगा, पर हाँ ये पर्सन इंचार्ज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करेगा कि जिन लोगों को सर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिनको प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि जाओ इनका एक्सपोर्ट हो जाएगा, लोडिंग का परमिशन दे दिया, उन्हीं गुड्स को वो लोड होने का परमिशन देगा पर्सन इंचार्ज, किसी और गुड्स को लोड नहीं करवाएगा अपने वेसल पे बेटा। ओके अब सब लोडिंग हो गया, आपके भी गुड्स थे, आपके भी गुड्स थे, सबके गुड्स लोड हो गए, अब वेसल को जाना है, क्या करेगा, हॉर्न बजाएगा निकल जाएगा ऐसा नहीं, वो क्या फाइल करेगा, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट व्हीकल केस में एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करेगा, क्लियर। सर इसमें कंप्लीट डिक्लेरेशन होगा रिगार्डिंग ऑल दी गुड्स, जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स है या जो कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी अगर उसमें है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेगा रिगार्डिंग ऑल दोज गुड्स, और हाँ बिफोर डिपार्चर वो फाइल करेगा, पर अगर उसने टाइमली फाइल नहीं किया, प्रॉपर फाइल नहीं किया, तो 50,000 का फाइन उस पर लगेगा पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस बेटा, क्लियर। और हाँ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में लिखा क्या होता है बेटा, सारी गुड्स जो भी उसके वेसल पे है तो जितनी भी आपने गुड्स लोड कराया होगा आपको बिल ऑफ लेडिंग दिया होगा बेटा, जब आपने गुड्स लोड कराया होगा तब आपको बिल ऑफ लेडिंग मिला होगा, एयरवे के केस में एयरवे बिल मिला होगा, रेलवे के केस में रेलवे रिसीट मिली होगी, लॉरी रिसीट मिली होगी, इनकेस ऑफ गुड्स। सर अब ये जो गुड्स के जो भी डॉक्यूमेंट आपको इश्यू किए उन सबको मर्ज कर दो, सारे गुड्स का लिस्ट एक साथ तैयार हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अब ईजीएम तैयार हो गया, तो मैं बोल रहा था ईजीएम कैसे बनता है, जितने भी आपने शिपिंग बिल फाइल किया, आपने जो गुड्स लोड करवाया उसके लिए आपको बिल ऑफ लेडिंग मिला होगा, इन सब बिल ऑफ लेडिंग को कंपाइल कर देंगे सर, जितने भी गुड्स उस वेसल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल पे उन सबको सर वो लिस्ट बनाएगा, और सर उसको बोलते हैं ईजीएम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, वो रिपोर्ट होती है, इट कंटेंट्स कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग ऑल द गुड्स जो यहां से बाहर जा रही है, जो इस पोर्ट से निकल रही है उस वेसल पे, क्लियर, वो होता है ईजीएम। ओके सर ईजीएम सबमिट हो गया, उसके बाद क्या होगा, सर आपको रिटर्न ऑर्डर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, रिटर्न ऑर्डर फॉर डिपार्चर, पर उससे पहले ध्यान रखना
जैसे ईजीएम और ईआर में गुड्स का इन्फॉर्मेशन, वैसे ही पैसेंजर और क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करना पड़ेगा पर्सन इनचार्ज ऑफ द कन्वेंस को बिफोर डिपार्चर, क्लियर। और अगर इसने टाइमली फाइल नहीं किया, प्रॉपर फाइल नहीं किया, तो 15,000 का फाइन, 50,000 का फाइन लगता है पर्सन इनचार्ज ऑफ द कन्वेंस पर। ओके, फिर आपने ईजीएम फाइल कर दिया, आपने पैसेंजर और क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, सब कुछ फाइल कर दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और उसके बाद रिटर्न ऑर्डर देगा, देन योर कन्वेंस विल डिपार्ट, अदरवाइज डिपार्चर ना हो पाएगा। नो कन्वेंस टू लीव विदाउट अ रिटर्न ऑर्डर। एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 43 बोलता है कि सेक्शन में 30, 41 एंड 42 अप्लाई नहीं होंगे टू अ व्हीकल विच कैरीज नो गुड्स अदर देन लगेज ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स। और सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम कर सकती है कन्वेंस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट और एनी फॉरन गवर्नमेंट वेसल या एयरक्राफ्ट विच टेम्प्री एंटर इन टू इंडिया बाय रीजन ऑफ एनी इमरजेंसी। इमरजेंसी लैंडिंग अगर कर रहा है तो उसके सारे प्रोविजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एक्सपोर्ट के प्रोविजन भी खत्म होते हैं अब, क्लियर। तो ये इंपोर्ट का प्रोसीजर और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर खत्म होता है अब। सुनिए बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसी चैप्टर के अंदर मैंने दिया है, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है। बच्चों इनलैंड कंटेनर डिपो याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, सर उदयपुर राजस्थान महाराष्ट्र, सर उदयपुर राजस्थान, सर वहां पे एक मिनी डिपो है सर, देखो वहां पे ना तो पोर्ट है और एयरपोर्ट है। बच्चों आपने बोला था मेरे को सर एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल नहीं है, तो क्या हो गया, एयरपोर्ट है। पर हाँ सर वहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो सर वहां पे क्या कर दिया, एक छोटा सा डिपो ओपन कर दिया जिसको बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। सर इनलैंड कंटेनर डिपो इज लाइक अ मिनी पोर्ट जहां से ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ द कस्टम्स कैन बी डन। सर जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गुड्स आप दे, इंपोर्ट के लिए गुड्स मंगा सकते हो, एक्सपोर्ट के लिए गुड्स दे सकते हो। एंड इट्स अ कस्टम्स स्टेशन लाइक अ पोर्ट और एयर कार्गो यूनिट जहाँ पे सारे प्रोसेसर ऑफ कस्टम होते हैं बेटा। इट इज एन इंडिपेंडेंट, इट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज इफ इट इज अ सेल्फ कंटेंट कस्टम स्टेशन। और हाँ कस्टम मैनिफेस्ट, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, अदर डिक्लेरेशन सारे यहाँ पे फाइल होते हैं, सारे काम होते हैं बेटा। कंटेनर फ्रेट स्टेशन सर ये कोई नया पोर्ट नहीं, मिनी पोर्ट नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इट हैज टू बी लिंक्ड टू अ कस्टम स्टेशन, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो से ये लिंक होता है बेटा। ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है, ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन केवल एक एक्सटेंशन है पोर्ट का, क्यों, जहां पे गुड्स का स्टफिंग या डिस्टफिंग कर सकते हो, गुड्स का एग्जामिनेशन कर सकते हो बेटा, कंटेनर में स्टफ करना है, डिस्टफ करना है, वो कर सकते हो। क्यों, ये क्यों बनाया गया बेटा, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट टू डीकंजेस्ट द पोर्ट। पोर्ट बहुत जो कंजेस्टेड होते हैं बेटा, उसमें सर गुड्स जब आता है कंटेनर में स्टफ होकर आता है, और कंटेनर में स्टफ होकर आता है तो डिस्टफ करेंगे उसको, और एक्सपोर्ट होगा तो कंटेनर में स्टफ करना पड़ेगा। तो ये सब काम के लिए एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो इट हैज टू बी लिंक्ड टू अ कस्टम स्टेशन, इट डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और ओनली अ पार्ट ऑफ द कस्टम प्रोसेस, मेनली एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स इज कैरिड ऑन एंड एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन ऑफ द कार्गो ऑल्सो टेक्स प्लेस एट एन कस्टम फ्रेट स्टेशन। सारे प्रोसेस यहाँ पे नहीं होते बेटा, क्लियर, डन। अब आ रहा है क्या, ट्रांजिट गुड्स और ट्रांसशिपमेंट गुड्स, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। ट्रांजिट गुड्स क्या होती है बेटा, गुड्स विच आर ऑन बोर्ड द वेसल या एयरक्राफ्ट, पर वो यहाँ पे अनलोड नहीं होने वाली है, ये किसी और पोर्ट पे अनलोड होगी, विच मे बी इन इंडिया एंड मे नॉट बी इन इंडिया। तो जिस पोर्ट पे जब वेसल आ रहा है उस टाइम उस गुड्स को पोर्ट उस वेसल पे रखा हुआ है पर वो अनलोड नहीं हो रही है, दे विल रिमेन इन ट्रांजिट, उन गुड्स को बोलते हैं ट्रांजिट गुड्स। और इन ट्रांजिट गुड्स पे कोई कस्टम नहीं लगेगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज वी प्रिस्क्राइब बाय सीबीआईसी। बच्चों क्लियर, सीबीआईसी को पावर दे दिया रूल्स रेगुलेशंस बनाने का इसके लिए। ओके, पर हाँ ऑब्वियस बात है इंडिया में जब अनलोड हो नहीं रही है, इस पोर्ट पर अनलोड हो नहीं रही है, तो इस पर कस्टम की कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट जब वो गुड्स आएगा तब आईजी में लिखा होगा, जब जाएगा तब ईजी में लिखा होगा, बाकी कोई प्रोविजन पर अप्लाई नहीं होंगे बेटा। ओके, ट्रांसशिपमेंट गुड्स, देखो ट्रांसशिपमेंट, शिपमेंट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर अनलोडेड एट द कस्टम पोर्ट बट डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज सम अदर पोर्ट विच मे बी इन इंडिया एंड मे नॉट बी इन इंडिया। क्लियर, जैसे मुंबई सर सिंगापुर से वैसा आया, मुंबई में गुड्स उसने अनलोड किया पर डेस्टिनेशन क्या है, कोलकाता है, तो क्या हुआ साहब, यहाँ से मुंबई से क्या करेंगे, किसी दूसरे छोटे वैसल पर रखे या दूसरा वैसल जो कोलकाता जा रहा होगा उन पे बॉम्बे से गुड्स को कोलकाता भेज देंगे। तो जब मुंबई पोर्ट पे वैसल आएगा, जब वो गुड्स अनलोड होगी, वो मुंबई पोर्ट लिए नहीं है, कोलकाता पोर्ट लिए ही है, तो सर उनका शिपमेंट ट्रांसफर करेंगे, किसी और शिपमेंट वेसल में रखेंगे, तो उन गुड्स को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स एट मुंबई पोर्ट। तो सर ट्रांसशिपमेंट गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर अनलोडेड एट एनी कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट बट डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स इज सम अदर पोर्ट। ट्रांजिट गुड्स में अनलोड ही नहीं होता, यहाँ पे अनलोड हुआ है बट इनको किसी और वेसल पे रखे हम किसी और डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे, विच मे बी इन इंडिया मे नॉट बी इन इंडिया। अच्छा बच्चों ध्यान देना, बाय एयर आए तो बाय एयर ही ट्रांसशिपमेंट होगा, बाय वेसल आया तो बाय वेसल ही ट्रांसशिपमेंट होगा। और आपको पता है वैल्यूएशन के अंदर पता है रूल नंबर 10 जो वैल्यूएशन का एडिशन का होता है बेटा, ये जो ट्रांसशिपमेंट में जो कॉस्ट आएगी ये कॉस्ट वैल्यू का पार्ट नहीं होता, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करते, वैल्यू में इंक्लूड नहीं होती बेटा। ओके सर, अब ट्रांसशिपमेंट गुड्स जैसे मान लो मुंबई पोर्ट पे गुड्स आया और वहां से ट्रांसशिपमेंट करके ले जा रहे हो कोलकाता, तो ऐसे केस में मुंबई पोर्ट पे जब गुड्स अनलोड होगा तब वो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट गुड्स फाइल करना पड़ेगा सर।
क्लियर, बिल ऑफ ट्रांसमिट गुड्स फाइलों का, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री से कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ हुआ है तो ऐसे केस में डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसमिट फाइल करोगे तो भी काम चल जाएगा बच्चों। अच्छा, मुंबई पोर्ट पे इन गुड्स पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। डेस्टिनेशन पोर्ट जो कोलकाता पोर्ट होगा यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगा वहाँ पे कस्टम पोर्ट पे कोलकाता में, तो कोलकाता में दोज गुड्स विल बी एंटर्ड इन द लाइक मैनर एज इफ दोज आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और सारे कस्टम के प्रोविजन वहाँ पे अप्लाई होंगे, वहीं पे कस्टम पे करना है। पर हाँ, अगर डेस्टिनेशन पोर्ट इज नॉट अ मेजर पोर्ट या मेजर एयरपोर्ट नहीं है या कोई कस्टम स्टेशन नहीं है, कोई छोटा पोर्ट है सर जहाँ पे कस्टम पोर्ट कस्टम ऑफिसर नहीं है, जहाँ पे कस्टम स्टेशन नहीं है, जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में तो जिस पोर्ट पे उन गुड्स को पहली बार अनलोड किया था, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई पोर्ट पे अनलोड किया उनको, तो सर मुंबई पोर्ट से जा रहा है किसी ऐसे पोर्ट पे जो कस्टम स्टेशन नहीं है, तो मुंबई पोर्ट पे इनका कस्टम पे करके फिर आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? डन। और हाँ, अगर ट्रांसमिट गुड्स जा रही है कहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया, तो कस्टम पे करने की बात आती भी नहीं है, पर ट्रांसमिट गुड्स जा रही किसी दूसरे पोर्ट पे इन इंडिया विच इज अ कस्टम स्टेशन, तो एट दैट पोर्ट गुड्स विल बी एंटर्ड इन द लाइक मैनर एज इफ दोज आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और हाँ, जब गुड्स यहाँ से निकलेगा तब गुड्स विल बी सील्ड बाय द डिपार्टमेंट सील बेटा, प्लस वो गुड्स पे बिल ऑफ एंड आपके आईजी में मेंशन होना चाहिए दीज आर ट्रांसमिट गुड्स बेटा, वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होने चाहिए, और एट द डेस्टिनेशन पोर्ट दोज विल बी एंटर्ड इन द लाइक मैनर एज इफ दोज आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और सारे प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट वहाँ पे अप्लाई होंगे। प्लस पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस एक बॉन्ड साइन करेगा कि मैं इन गुड्स को डेस्टिनेशन पोर्ट पे ले जाऊंगा, किसी और पोर्ट पे इलीगल अनलोड नहीं करूंगा, नहीं तो आई विल बी लायबल टू पे द ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बेटा। क्लियर, डन। भारत माता की जय। ये भी पॉइंट खत्म होता है अब। ट्रांसशिपमेंट गुड्स एंड ट्रांजिट गुड्स सेक्शन 53, ट्रांजिट गुड्स सेक्शन नंबर 54, ट्रांसशिपमेंट गुड्स भारत माता की जय। इसी के साथ चैप्टर नंबर 27 भी खत्म होता है अब। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। ध्यान रखना, आपकी एनर्जी और आपके एफर्ट्स ही आपको जिंदगी में आपका मुकाम दिलाएंगे। क्लियर, सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे एनर्जेटिक एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, लव यू।